Dear students, today I am going to start the chapter number 5 of class Faith, Good Health. So, first point for the good health is nutrients, a substance which is essential for maintaining life and for growth is called a nutrients. कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का होना अनिवार्य है और ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को और लाइफ को ऊर्जा प्रदान करे, उसमें जो है सब ग्रोथ मेंटेन रखे और उसको शुद्धता प्रदान करे, सुदृढ़ता प्रदान करे. Our food has 5 major nutrients. हमारे जो भोजन है उन भोजनों में मुख्य रूप से 5 अवयव होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं और वे कंपोनेंट्स जो हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये 5 मुख्य अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं और इनके साथ 2 और भी हैं जिसे हम कहते हैं वाटर और लैफेज फाइबर. आर अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट वी ईट. कहते हैं 5 के सब बाद 2 और ऐसे अवयव हैं जो हम अपने भोजन में शामिल करते हैं और वे हैं हमारा वाटर और लैफेज. कहते सबसे पहले हम अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और फैट्स क्या है. तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. सम ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आर सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, पर मिलेट, पोटैटोस, स्वीट पोटैटो, सुगर. इट इज कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये मुख्य रूप से जो हमारे स्रोत हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वे हैं व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, मेज, मक्का, मिलेट, ज्वार, बाजरा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सुगर. ये सभी से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है जिससे कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है. सम ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ फैट्स आर बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल्स. ऑयल्स में जो है ग्राउंडनट है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और भी कई ऑयल पेलिंग प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं. ओके, फैट्स की मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है. प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स जो है वह हमारे शरीर को रिपेयर करती है, ग्रोथ देती है, तो इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को, हमारे ऊतकों को
source of proteins are milk, egg, meat, curd, soybean, fish and pulses. ये जो मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के, जहाँ से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वे हैं दूध, अंडे, मांस, दही, सोयाबीन, मछली और दालें. थर्ड पॉइंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. विटामिन और मिनरल्स को कहा जाता है या प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियों से. सो दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्प इट टू रेसिस्ट डिजीज. विटामिन जो है हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करते हैं और ये बीमारियों से लड़ते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, हमें जो है इनसे बचा कर रखते हैं. विटामिन ए बी सी डी ई एंड के आर सम ऑफ द विटामिन्स व्हिच आवर बॉडी नीड्स. कहते हैं हमारे शरीर के अनेकों प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से ए बी सी डी ई और के नामक विटामिन्स हमारे शरीर को प्राप्त की जरूरत होती है. कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन्स आर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग एंड फिश ईटीसी. इधर जो आमतौर पर जो स्रोत है विटामिन्स के, वे है फ्रेश फ्रूट, जो ताजे फल, सब्जियां, अंडे, मछली इत्यादि है, जिनसे हमें विटामिन्स की पूर्ति होती है. मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली. मिनरल्स भी खनिज बोलते हैं मिनरल्स को, यह भी जो हमारे शरीर को अच्छी बढ़ा देता है और स्वस्थ रखने में मदद करता है. हमारे शरीर को आयरन, विटामिन आयोडीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस अनेकों प्रकार के खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट से और अनेकों प्रकार के अलग खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होते हैं.